अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर रजा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों यहाँ पे पानी की फिटिंग की गई है और इससे पहले यहाँ पे हाइडर बना हुआ था मोटर के लिए। यहाँ पे वाल वगैरह लगे हुए थे, लेकिन ये वाल वगैरह जो हैं, ये जो पाइप है ये दूसरी दफ़ा टूटे हैं और इन्हें रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पहले यहाँ ठेकेदार के अंडर में काम हुआ है। ठेकेदार ने जो है यहाँ पे बिल्कुल ही बारीक गेज का पाइप इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अभी हमने काटा है थोड़ी देर पहले। ये देखें, बिल्कुल ही ये ऐसा पाइप है कि जो कि पानी में चलने के काबिल नहीं है, इसे लगाया गया है। और जबकि पाइप का गेज कम से कम इतना होना चाहिए, ये देखें इसके आधे से भी कम है। तो अगर आप हल्के वाला पाइप भी लेते हैं, जबकि ये कोई बहुत अच्छा पाइप नहीं है, ये भी एक दरमियाने दर्जे का पाइप है, लेकिन इसका गेज इतना है। और यहाँ पे आप देखें, ये बिजली वाली पाइप की तरह जो पाइप है वो इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से यहाँ पे बार बार टूट फूट हो रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही पाइप लगा हुआ है, ये आप गेज देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस बिगड़े हुए काम को सही करने के लिए आए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये जो है ये वाला आप देख रहे हैं, ये इनपुट है, ये टैंकी से पानी उठाने के लिए ये पाइप निकाला गया है। और ये देखें, ये जो पाइप है ये लाइन के पानी खींचने के लिए निकाला गया है। ये देखें, इधर पे जो पाइप है ये टैंकी में भरने के लिए निकाला गया है, ये पाइप डायरेक्ट जाकर टैंकी में गिर रही है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये पाइप ऊपर वाले टैंकी को भरने के लिए दिया गया है। अब बिल्कुल ही गलत तरीके से पाइप निकाला गया है, बस अब अंदाजे से एक पाइप निकाल के इधर उधर छोड़ दिया गया है। अब हमें हाइडर बनाना है और काफ़ी दुश्वारी होगी, जबकि सही तरीका ये है कि ये सारे पाइप जो है एक जगह होते हैं, यहाँ पे दीवार में लगे हुए होते हैं, हम तरीक़ेकार से इसमें वाल लगा देते हैं और यहाँ पर हाइडर आसानी से बन जाता है। अब पाइप हमें काफ़ी घुमाना पड़ेगा और घुमा घुमा के यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा। पहले अब हम इस यहाँ पे पाइपों की सेटिंग बनाते हैं। ये देखें, ये जो पाइप है ये टैंकी को भरने के लिए, छत वाले टैंकी को भरने के लिए, तो इसे हमें लेके यहाँ से जाना है और यहाँ पे मोटर के इस साइड पे पहुँचाना है। ये देखें, ये जो पाइप है इस साइड पे जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, और यहाँ पे इन दोनों पाइपों को जो है हम मोटर के सक्शन साइड पे देंगे। ये लाइन का पानी है और ये टैंकी का पानी है, तो इसके ज़रिए हम यहाँ से मोटर के ज़रिए पानी खींचेंगे और इस पाइप के ज़रिए टैंकी में पानी भरेंगे। और यहाँ देखें, यहाँ से घूम के आ रही है फिर पाइप यहाँ पे, तो यहाँ के ज़रिए फिर हम छत वाले टैंकी को भरेंगे। तो फिलहाल अभी हम पाइप की सेटिंग बना रहे हैं। पाइप की सेटिंग बनाने के बाद जो है हम फिर पूरी तरह से आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हमने वाल लगाया है और किस तरह से ये सब काम को किया है। पूरी काम को अगर दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और टाइम भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे काम का ज़्यादातर हिस्सा आपको दिखाएं कि आपको भी काम समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पे अभी हम आरजी तौर पे इसी तरह ही सेटअप बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये देखिए, जो टैंकी में भरने वाला पाइप है वो जबकि पीछे साइड में लगा हुआ है, तो वहाँ से हम सीधा सीधा घुमा के यहाँ से लाएंगे इस जगह से। और लाने के बाद यहाँ पे हमने ये मोटर से डायरेक्ट पाइप लिया है, तो यहाँ से एल्बो के ज़रिए डायरेक्ट यहाँ पर पाइप उतर के उस ऊपर वाले टैंकी भरने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक हम वाल देंगे इस जगह पर, इस जगह पर इस तरह से एक वाल आ जाएगा। ये तो टी लगाया हुआ है हमने, इसी तरह आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक एल्बो लग के डायरेक्ट पाइप इसमें लगेगा, बीच में हम वाल देंगे इस तरह का। ये देखें, ये नीचे वाले टैंकी को भरने के लिए, तो यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा था, तो हम यहाँ पे डबल एल्बो लगा रहे हैं। डबल एल्बो लगा के यहाँ पे पाइप को हम सीधा कर रहे हैं। ये पाइप यहाँ पे हम इस जगह पे एल्बो दे देंगे, ये पाइप यहाँ पे सीधा लग जाएगा। यहाँ पे टी देके हम यहाँ पे सीधा लगा देंगे और फिर जो है उसके बाद हम यहाँ पे यूनियन देंगे इस जगह पे, इस जगह पे हम यूनियन देंगे और इस जगह पे एक और टी हम देंगे। टी देके इसे हम, ये देखें, ये सैन वगैरह धोने के लिए हम अलग से एक पाइप निकाल रहे हैं कि हम मोटर के ज़रिए अलग से, हम अगर सैन वगैरह धो या पानी छिड़काव करना हो, हमें मोटर से डायरेक्ट पानी बाहर लेना हो, तो उसके लिए हम ये अलग से एक पाइप और वाल इस जगह पे देंगे। यानी यहाँ पे दो टी लगेगा, यहाँ पे हम एल्बो लगाएंगे, यहाँ पे दो वाल लगाएंगे, एक वाल हमारे पास ये पुराने फिटिंग का बचा हुआ है, तो इसे भी हम इस्तेमाल में ले लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ का सेटअप बनाया है। यहाँ का सेटअप हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से सीधा हम पाइप निकाल के और यहाँ पे एक वाल लगाएंगे, यहाँ पे हम पाइप लगा के इस जगह पे हम टी देंगे और टी के ज़रिए हम डायरेक्ट यहाँ ले जाएंगे पाइप को। यहाँ पे भी एक वाल रहेगा और यहाँ पे यूनियन हम देंगे, इस जगह पे भी हम एक वाल देंगे। ये देखें, इस तरह से जो है हम सेटअप बना रहे हैं। ये मोटर में सीधा यहाँ पे एक यूनियन लग जाएगा, यहाँ पे एक वाल दे देंगे और ये टी तो हमने इस तरह घुमाया हुआ है, टी को हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से टी लगेगा, यहाँ से फिर हम एक एल्बो लगा के पाइप यहाँ ले जाएंगे, ले आकर डायरेक्ट इसमें मिलाएंगे, यहाँ इस जगह पे हम वाल दे देंगे। तो अभी फिलहाल हम ये सब सारे काम कर लेते हैं। हम हर जगह जो है पहले हम कामों को जो है टेम्परेरी तौर पे काटेंगे, पाइपों को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम पूरी फिटिंग करेंगे और फिर आपसे आगे का तरीका डिस्कस करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे हाइडर का काम मुकम्मल हो चुका है। ये देखें यहाँ पे ये दो वाल इन वाले हैं और यहाँ पे तीन वाल आउट के हैं। ये सबसे पहला वाल जो है ये टैंकी में भरने का है और ये दूसरा वाल जो है ये छत वाली टैंकी को भरने के लिए है और ये एक वाल हमने लगाया बाहर में पानी वगैरह भरने के लिए पाइप लगा दिया और यहाँ से लिया है क्योंकि पाइप बिल्कुल पीछे साइड था छत वाली टैंकी का, तो वैसे तो ये सारे पाइप पीछे ही होने चाहिए थे लेकिन मजबूरी में हमें ऐसे करना पड़ा। दोस्तों जब भी आपको हाइडर बनाना हो तो इसमें पाइप का इस्तेमाल जो है आप अच्छे वाला करें। जैसा कि आप यहाँ पे देखें हमने ग्रे पाइप का इस्तेमाल किया है, ये आमतौर पे गर्म पानी के फिटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये हेवी पाइप है, मोटे गेज का पाइप है और ये आसानी से नहीं टूटता है। इसके अलावा आप इसमें सोल्यूशन भी अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल किया करें। सोल्यूशन जो सबसे अच्छी क्वालिटी हमारी नज़र में है वो EZ का सोल्यूशन है। और फिटिंग करने से पहले पूरा आप नक्शा बनाएं, दो दफ़ा तीन दफ़ा आप नक्शा बनाएं। अगर आप इस काम में नए हैं तो पहले आप अच्छी तरह से नक्शा बना के आप देख लें कि किस तरह आपने वाल रखना है, कहाँ पे चीज़ों को सेट करना है, वाल कितने होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से देखभाल करने के बाद फिर आप हाइडर बनाएं। आप बिना सोचे समझे अगर हाइडर बनाने का काम शुरू कर देंगे तो उस सूरत में काफ़ी जगहों पर गलती हो सकती है। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल मिस्टर रजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।